share the textbook only. Just a second, because my PPT is not getting me open. Okay, so tell me. Definition of pregnancy. Full form of IUD. Full form of IUD. Intrauterine device. Intrauterine device. Very good. What is GIFT? GIFT. 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 Ka full form batao. Gamete intra. एक जन कोई तो बताओ, दो सब लोग एक साथ मत बोलो, चलो बोलो फटाफट, एक जन कोई तो भी बताओ. Gamete intra fallopian transfer. Okay. Next is, tell me about the. एक मिनट, टॉपिक ही आ गया. चलो. So today I will teach you by this textbook only. Next lecture में I will show you my PPT. Now origin of life से हम लोग start करते हैं. What is this origin of life called as? Now all of you can see the textbook. ठीक है, you all also have the textbook with you. It is called as the protobiogenesis. This can be a one mark question for your board exam. Proto का मतलब होता है पहले, bio का मतलब होता है living organism, and genesis का मतलब आपने पढ़ा है ना अभी. आपने ओजेनेसिस पढ़ा, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. ठीक है, तो प्रोटो बायोजेनेसिस मतलब कैसे पहले बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए. सो इट इज अ ओरिजिन ऑफ लाइफ को ही हम प्रोटो बायोजेनेसिस बोलते हैं. सो इन बोर्ड एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज प्रोटो बायोजेनेसिस, सो द आंसर शुड बी इट इज दी व्हाट origin of life is called as the protobiogenesis. अच्छा, अभी अगर हम origin of life के बारे में बोलेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप के थियोरीज हुए. मतलब सबसे पहले किसी ने तो शुरुआत की होगी सोचने के लिए कि कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आया है. ठीक है, तो देर आर मेनी थियोरीज. हाँ, विच जो एक मतलब थियरीज बनते 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 बहुत सारे थियरीज डिस्कार्ड होते गए, और फिर फाइनली एक थियरी ऐसा आया जिसको हम सब मानते हैं. ठीक है, तो लेट अस सी हाउ इट हैज बीन स्टार्टेड. तो सबसे पहला जो थियरी लोगों ने सोचा था बहुत पहले, बहुत सालों पहले, इट वॉज अ थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजियस के लोगों ने अपने अपने गॉड को बताया कि अवर गॉड हैज मेड द व्हाट लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, तो आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो दे विल बी सेइंग अबाउट एडम्स एंड ईव. ठीक है, हिंदूज में अलग को बोलेंगे, है ना. मुस्लिम्स लोगों में दे विल से अबाउट देयर गॉड कि नहीं बाबा हमारे गॉड ने क्या किया है, पहले यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक मैन और एक वुमेन को लाया. ठीक है, बट कैन इट बी प्रूव्ड? नो, ऑब्वियसली इट कांट बी प्रूव्ड कि हु वाज द फर्स्ट मैन, हु वाज द फर्स्ट वुमन, फ्रॉम वेयर डिड दे केम. तो दिस वॉज बीन क्या हो गया, ये बाद में डिस्कार्ड हो गया. सी वी साइंस ऑलवेज रिक्वायर्स अ प्रूफ फॉर इट, और इट शुड बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. या तो उसका प्रूफ होना चाहिए या तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होना चाहिए. तो ये जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था, ये सबसे ओल्डेस्ट थियरी है, और ये किसके ऊपर बेस करता है, रिलीजियस के ऊपर बिलीव करता है. सो इसके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था टू से दैट हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज बीन क्रिएटेड. दे ऑल वाज वेयर सेइंग दैट द लाइफ इज बीन क्रिएटेड बाय अ सुपरनैचुरल पावर व्हिच वी कॉल्ड एज गॉड. ठीक है, बट वी कांट प्रूव दैट. ठीक है, सो दैट थियरी वाज बीन अ इनिशिएशन, वी कैन से वो एक शुरुआत थी कि लोगों ने सोचना शुरू किया. तो एटलीस्ट ये तो भी सोचा उन्होंने कि नहीं गॉड ने ये किया. फिर उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने ऐसे सोचते गए कि कैसे कैसे लाइफ आया होगा अर्थ के ऊपर. सो नेक्स्ट थियरी वॉज द कॉस्मोजोइक थियरी और द थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया. ठीक है, सो अगेन ये जो वर्ड है ये बच्चे लोग बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. तो कॉस्मोजोइक या फिर पैनस्पर्मिया, ये याद रखो. अब इनके अनुसार क्या था,
अब ये कुछ लोग थे, इन लोग ने कहा कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ आया है ना वो दूसरे प्लैनेट से आया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या आया है, या तो स्पोर के फॉर्म में आया या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कहीं कोई दूसरे प्लैनेट से अपने अर्थ के ऊपर आ गया। तो यही जो माइक्रोस्पोर्स थे या फिर यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसी को उन्होंने नामकरण क्या किया एज कॉस्मोजोआ या फिर पैंस्पर्मिया। सो अगेन वन मार्क क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज कॉस्मोजोआ या फिर व्हाट इज पैंस्पर्मिया। सो अगेन आपको लिखने के लिए टू क्वेश्चंस आ गए हैं, मैं जो जो बता रही हूँ वन मार्क का क्वेश्चन वो आपको नोट डाउन करके टेक्स्ट अपने नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट वॉज व्हाट इज प्रोटोबायोजेनेसिस, सेकेंड इज व्हाट इज पैंस्पर्मिया और व्हाट इज कॉस्मोजोआ, प्लीज नोट डाउन ऑल्सो। ओके, सो इन लोग ने क्या बताया बेटा, मैंने क्या बताया आपको, अकॉर्डिंग टू देम हाँ द लाइफ ऑन द अर्थ केम फ्रॉम द अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, अभी अगर मैंने आपको ऐसे बताया तो आप मुझे यही पूछोगे ना, अच्छा कौन से प्लैनेट से उड़ के आया, नो आंसर फ्रॉम माई साइड। अच्छा अगर आप मुझे पूछोगे अच्छा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता है, आपको बहुत सारे स्पोर्स पता है, तो आप मुझे ये पूछोगे कि अच्छा ठीक है ये बताओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन सा स्पोर्स है। सो अगेन दे वेर नॉट आंसरेबल फॉर दीज क्वेश्चन, वेरी क्लियर। सो अगेन दैट वॉज बीन डिस्कार्ड, ठीक है। सो रिसेंटली व्हाट नासा हैज रिपोर्टेड, दे हैव रिपोर्टेड द फॉसिल्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ऑन अ पीस ऑफ मार्टियन रॉक रिकवर्ड फ्रॉम द एंटार्क्टिका, ठीक है, वेरी क्लियर। नाउ रिसेंटली द नासा हैज रिपोर्टेड दिस फॉसिल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इन फ्रॉम द एंटार्क्टिका। बट अगेन व्हेन दैट टाइम लोगों ने उनसे जब पूछा था ये ग्रुप ऑफ पीपल को, दोज हु आर बिलीविंग अबाउट द कॉस्मोजोइक थियरी, दे वर नॉट आंसरेबल फ्रॉम विच प्लैनेट विच स्पोर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगेन देयर अराइजेस अ नेक्स्ट थियरी, दैट इज अ थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर अ बायोजेनेसिस। यस, अबायोजेनेसिस, अ का मतलब होता है नो, ठीक है, तो फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, बायो का मतलब है लिविंग थिंग, तो अबायोजेनेसिस मतलब द व्हेन द ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। नाउ पहले के टाइम पे लोग ऐसा समझते थे कि देखो फ्रॉग और अर्थवर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कभी आते हैं, फ्रॉग और अर्थवर्म सिर्फ बारिश के टाइम पे आते हैं, तो उस समय लोग क्या समझते थे कि ये जो फ्रॉग और अर्थवर्म है ना वो बारिश के पानी के साथ ही आते हैं या फिर ये पानी से आते हैं, ठीक है। बट नाउअडेज वी नो दैट द फ्रॉग एंड अर्थवर्म दे गो फॉर द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, करेक्ट है, हमें ये चीज पता है, अभी लोगों ने फाइंड आउट किया, पर उस समय इतना नहीं जानकारी था, तो उनको क्या लगता था कि नहीं नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग आता है, मतलब पानी से आना या फिर ऐसा, तो उसके अंदर भी बहुत बहुत सारे थियरीज उन लोग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहा कि नहीं अगर नॉन लिविंग थिंग हमने कुछ रख दिया तो उसी से लिविंग थिंग आता है, ठीक है। तो लुईस पाश्चर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली, ऐसी नॉन लिविंग थिंग से आ गया था, एंड दिस थियरी वॉज डिसप्रूव्ड बाय द लुईस पाश्चर, ने इसको डिसप्रूव किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता करके। तो ये लुईस पाश्चर का थियरी है, देखो उसने नो फ्लाइज है यहाँ पे, नो मैगॉट्स है, उसने एक टुकड़ा रखा है कुछ खाने का, फिर थोड़े दिन के बाद क्या है उसके ऊपर फ्लाइज आने लगेगी और फ्लाइज बच्चे देगी, मतलब लार्वे देगी, जिसको हम मैगॉट्स बोलते हैं, करेक्ट है, फिर ये फ्लाइज अंदर जाने लगेंगे और फिर वो मैगॉट्स वहां पे डेवलप होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लाइज के ही लार्वे यहाँ पे मैगॉट्स के फॉर्म में आए हैं, ठीक है, मैगॉट्स मतलब फ्लाइज का लार्वे को हम मैगॉट्स बोलते हैं, वेरी क्लियर बेटा। Yes? तो यहाँ पे भी सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूव किया है, ये डिसप्रूव करने के लिए किया है कि नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ रहा है, ये लिविंग थिंग ही है जो अपने अंडे देते हैं या उसके लार्वे देते हैं, उससे हमें
लगता है कि नॉन लिविंग थिंग से आ रहा है. सेम थिंग उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के बारे में भी बताया है इन दिस वे. इज दैट वेरी क्लियर? सो ब्रॉथ जो है, ब्रॉथ मीन्स न्यूट्रिटिव मीडियम को हम ब्रॉथ बोलते हैं. उन्होंने बॉइल किया, देन ब्रॉथ रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसको बॉइल किया, इसमें कोई नहीं है, उसका कर्व्ड नेक इज रिमूव्ड. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द ब्रॉथ. ऑब्वियसली जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, है ना. हम कोई भी चीज खुला रखेंगे वहां पे थोड़े दिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे. सो व्हाट द लुईस पाश्चर वाज टेलिंग कि ऐसा नहीं है कि वो लोग नॉन लिविंग थिंग से आते, इट इज अ लिविंग थिंग ओनली विच रिप्रोड्यूसेस एंड उसके वजह से लाइफ दिखता है हमें. तो अगेन दैट थियरी वॉज नॉट हैविंग एनी दिस थिंग, तो इसके वजह से देर वॉज अगेन अ थियरी कॉल्ड एज अ थियरी ऑफ बायोजेनेसिस. Now, what this theory is telling biogenesis ki yes, life is coming from a pre-existing life. Matlab ek already life rehta hai aur usi mein se life aata hai. Matlab fly hai to maggots hai. Maggots, matlab, are you getting it? So, pre-existing life, matlab jo already life existing hai, usi se naya life aata hai. It is always like that only. So, this is called as the theory of biogenesis. Is that very clear, beta? To kon kon sa theory padha apne? Tell me. Anybody of you unmute and tell me which are the theories you have learned? Yes. Unmute yourself. अरे सबके सब सो रहे हैं क्या? मैं कहानी सुना रही हूँ. Cosmotic theory. Cosmic theory. Theory of spontaneous generation. Theory of biogenesis. Nikki, Akansha and Amla. ये तीनों को छोड़ के और बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? Yes? बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? चेतन, चेतन आर यू देयर? हाँ मिस. हाँ क्या कर रहे थे बेटा? कौन कौन सा थियरी बताया मैंने? बोलो जल्दी से, कौन कौन सा थियरी एक्सप्लेन किया मैंने? व्हाट इज कॉस्मोजोआ चेतन? टू यू क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज कॉस्मोजोआ? टेक्स्ट बुक पढ़ रहा लगता है अभी, है ना? किधर चला गया मिस? हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है अरेंज का. तो मिस वो जब अर्थ पे लाइफ अराइज नहीं हुई थी तो मैंने पूछा बेटा व्हाट इज कॉस्मोजोआ. व्हाट इज कॉस्मोजोआ ये पूछा मैंने आपको क्वेश्चन. देख लो जब तक टेक्स्ट बुक देख लो, फिर बाद में बोलना नेटवर्क नहीं था. एटलीस्ट देख तो बता दो. हाँ बोलो. हाइपोथेटिकल सीड्स. सीड्स नहीं, स्पोर्स. हाइपोथेटिकल स्पोर्स. अच्छा हाइपोथेटिकल स्पोर्स. मोबाइल में से चेक करके बताए क्या? यस सच बताओ, मोबाइल में से चेक करके बताया ना? नहीं मिस वो टारगेट था. अच्छा टारगेट लेकर बैठे हो. टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास? नहीं मिस. अच्छा अच्छा ये कहां से आया है कॉस्मोजोआ? हाइपोथेटिकल स्पोर्स कहां से आए? बोलो जल्दी फास्ट. अच्छा वो भी ढूंढ रहे हो, उसमें से ढूंढो. आप लेक्चर में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थे. ठीक है
आपको लगा कोई कुछ पूछता तो है नहीं, कोई कुछ देखा, आप सबका वीडियो जरा ऑन रखो तो. आई जस्ट वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो. वॉट आर यू डूइंग? लेट मी सी ऑन योर वीडियो. आई वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन टू ऑन योर वीडियो फास्ट. Yes, on your video. जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेंबली थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. सेल्फ असेंबली थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है ना. ये क्या, ये थियोरी क्या बताता है? केमिकल इवोल्यूशन क्या बताता है? कि लाइफ हैज ओरिजिनेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी केमिकल्स. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी केमिकल्स. श्रीकांत शिंदे, प्लीज टेल प्रतिभा मिस टू ऑन द रिकॉर्डिंग. मीन्स व्हाट? व्हाई? व्हाई श्रीकांत? हाँ, किया है ऑन रिकॉर्डिंग किया. अच्छा, ओके. सो व्हाई इट इज नेसेसरी रिकॉर्डिंग? आप लोग ऑनलाइन आए देखने के लिए. नहीं, वो बाद में YouTube पे डालते हैं ना लेक्चर. अच्छा अच्छा, इसके लिए. ओके, ठीक है. सो नाउ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. नाउ क्या बताया मैंने केमिकल इवोल्यूशन में? वी हैव आई सेड दैट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द लाइफ हैज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ ड्यू टू सेवरल केमिकल. ठीक है, थ्रू कॉन्स्टेंट केमिकल रिएक्शन. ये क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से केमिकल रिएक्शन है और कौन कौन सा कैसे हुआ ये सब. तो इस ये थियोरी को क्या बोला जाता है? सेल्फ असेंबली थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. अगेन दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. सो द थर्ड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू राइट, व्हाट इज सेल्फ असेंबली थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या फिर व्हाट इज बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर शुड बी फ्रॉम हियर. द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल केमिकल्स थ्रू कॉन्स्टेंट केमिकल रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं लिखने के लिए. ओके, ये थियोरी किसने फॉर्मुलेट किया था? दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू. सो दिस वाज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज अ हैकेल. ठीक है, एंड लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय द ओपेरन, अलेक्जेंडर ओपेरन एंड हेल्डन. सो ये जो थियोरी है इट इज फेमस बाय देयर दिस टू नेम्स, ओपेरन एंड हेल्डन थियोरी के नाम पे. ये जो थियोरी है केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये फेमस है. ठीक है, सबसे पहला इसको हैकेल ने किया था, बट पूरा एक्सप्लेनेशन या पूरी तरह से ये जो है ये ओपेरन और हेल्डन ने दिया था. सो दिस थियरी इज नेम्ड एज द ओपेरन एंड हेल्डन थियरी आल्सो. प्लीज नोट डाउन, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का जो थियरी है या फिर सेल्फ असेंबली थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश. सो इट इज कॉल्ड एज ओपेरन एंड हेल्डन थियरी. सो it has many steps, so let us learn that steps one by one. So it is very simple to understand also. Very first step, origin of earth and primitive atmosphere. अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई तो भी एक बच्चे ने बताया कि लाइफ जो है एक बिग बैंग थियरी के बारे में मुझे बताया. यस, व्हाट इज दिस बिग बैंग थियरी? अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था? एक ह्यूज टाइटेनिक एक्सप्लोशन हुआ था. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू राइट फ्रॉम स्टार्टिंग. पहले क्या था, जो सन मतलब एक ही प्लैनेट था. ठीक है, नाउ जो जो अर्थ है, जैसे ही वो सन से अलग हुआ, मींस ये हुआ, दूर हुआ, तो जैसे जैसे वो दूर होते गया सन से, पहले अर्थ वॉज अ राउंड व्हाट टू से फायर ऑफ बॉल. ठीक है, बहुत ही गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था. पर जैसे जैसे वो सन से दूर होते गया, वो क्या होते गया, ठंडा होता गया. ठीक है, सो पहले क्या हुआ यूनिवर्स में, अबाउट 20 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ बिग एक्सप्लोशन. ठीक है, तो जिसके वजह से क्या हो गया, मिल्की वे वगैरह सब बना, गैलेक्सी वगैरह बना, तो अर्थ भी एक प्लैनेट बना इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, हाउ मच ईयर अगो? अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. सी, नोबडी हैज सीन ऑल दिस थिंग्स, इट्स जस्ट अ थियरी एंड वी आर एक्सेप्टिंग नाउ दिस ओपेरन एंड हेल्डन थियरी बिकॉज इट इज बीन प्रूव्ड आल्सो.
ये जो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारी चीजें इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड आल्सो कि ऐसा कुछ तो भी हुआ रहेगा. नोबडी हैज सीन इट, इट इज जस्ट अ थियरी. ठीक है. सो अर्थ, द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट हैज बीन ओरिजिनेटेड अबाउट हाउ मेनी इयर्स अगो? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. नाउ ये जो अर्थ था जब भी बना तो उसके पास रोटेटिंग क्लाउड था ऑफ हॉट गैसेस एंड कॉस्मिक डस्ट विच इज कॉल्ड एज अ नेब्यूला. सो अगेन अ वन मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज नेब्यूला? सो अगेन प्लीज नोट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर नेब्यूला ऑल्सो. व्हाट इज नेब्यूला? इन द अर्ली, इन द प्रिमिटिव अर्थ, आप क्या बोल सकते हो, इन द प्रिमिटिव अर्थ. ठीक है. देर वॉज रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेज एंड द कॉस्मिक डस्ट विच वॉज बीन कॉल्ड एज अ नेब्यूला. एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, जैसे जैसे अर्थ सन से दूर होते गया, उस क्या होते गया, उसके अंदर कंडेंसेशन होते गया, उसमें कूलिंग होते गया, और जो भी हेवी एलिमेंट्स थे जैसे कि निकल आयन जो है वो किधर आ गए, अर्थ के कोर में आ गए. और जो भी लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ वो सब सरफेस पे आ गए. तो जो अर्थ का जो कोर है, हाँ जो सेंटर है, जिसको आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, अर्थ के अलग अलग स्ट्रेटास. सो अर्थ के जो कोर है सेंटर में निकल और आयन आ गया विच वेर द हेवी एलिमेंट्स, और जो भी लाइटर एलिमेंट्स थे जैसे कि ये सारे गैसेस, दे हैव कम टू द सरफेस. And they have formed the atmosphere of the earth. Now you can just note over here. Please ek cheez note karo ki maine aapko helium bataya, hydrogen bataya, nitrogen bataya, oxygen and carbon. Ye sare gases the. But the primitive earth was quite different from the present one, as it was of a reducing type, matlab devoid of free oxygen. Yes, मतलब ऑक्सीजन तो था पर वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में था, मतलब ऐसा फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था. वेरी क्लियर. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन फॉर योर बोर्ड एग्जाम. हाउ, व्हाई द प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग टाइप? सो द आंसर शुड बी द प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग टाइप बिकॉज देर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर इन द प्रिमिटिव अर्थ. सो अगेन वन मोर क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन, व्हाई द प्रिमिटिव अर्थ वॉज रिड्यूसिंग टाइप. वेरी क्लियर. इट्स वेरी सिंपल कि 4.6 पहले बिलियन अगो अर्थ सन से दूर होते गया, कंडेंस होते गया, जो हैवी एलिमेंट्स थे वो कोर में आ गए, जो लाइट एलिमेंट्स थे वो सरफेस पे आ गए. क्योंकि अर्थ में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इट वॉज इन द कॉम्बिनेशन विद सम और द अदर थिंग, एंड देयर फोर द अर्थ प्रिमिटिव अर्थ वॉज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग टाइप. ठीक है. अच्छा, अब क्या हो गया? This formation is a very, very, this is a landmark in the formation of the life. So it is a formation of ammonia, water and methane. अब देखो, hydrogen जो था ना वो बहुत ही active element था. Hydrogen was a very, very active element. It started combining with nitrogen to form ammonia. It started combining with oxygen to form water, and it has started combining with the carbon to form the methane. Very clear. So hydrogen being very active element, it started combining with different elements to form a combination of chemicals like the methane, ammonia, water and the H2S gas. Very clear. ठीक है. अब क्या हो गया? अब ये जो primitive elements बने हैं, ये जो primitive compounds बने हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के reactions होंगे. ये जो CH4 बना, NH3 बना, water और H2S बना, इसके अंदर ही अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे. ये रिएक्शन किसके कारण होगा? तो ये रिएक्शन मे बी बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ लाइटनिंग हो सकता है, मे देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, मे बी बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज. तो ये जो तीन एलिमेंट्स थे, ये भी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स थे, अमोनिया, मीथेन, वाटर, ये सबके अंदर इन सब चीजों के कारण, भले वो रेडिएशन हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो सकता है, इसमें अलग अलग रिएक्शंस हुए. कौन कौन से रिएक्शंस हुए? जैसे कि कंडेंसेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. ये सब होने के कारण
ठीक है, देयर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गया, जैसे कि शुगर का सिंपल फॉर्म क्या होता है, मोनोसेकेराइड, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होता है, अमाइनो एसिड, डीएनए आरएनए का सिंपल फॉर्म क्या होता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, हाँ, फैटी एसिड्स, लिपिड्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो आप देख सकते हो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना लाइफ ओरिजिनेट होना। अगर सिंपल चीजें हैं तो वो कभी ना कभी क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे जॉइंट होके, और फिर जब ये सारे रॉ मटेरियल्स है तो लाइफ तो आना ही है। वेरी क्लियर बच्चा? यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई मीन टू से? सबको समझ रहा है ना? प्लीज से यस और नो। यस मिस। हाँ, तो अभी क्या हो गया, अब ये जो सब सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ये सब के सब किधर एक्यूमुलेट हो गए, एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। तो हेल्डन ने यही वाटर बॉडी को विद ऑल द सिंपल सब्सटेंस ही हैज नेम्ड इट एज द हॉट डाइल्यूट सूप और द प्रिमिटिव ब्रॉथ। अगेन अ वन मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो, यू हैव टू राइट डाउन। What is hot dilute soup or a primitive broth? What is this? It is the water bodies, with all the simple compounds like monosaccharides, amino acids, purines, pyrimidines, and all these things. ठीक है? Very clear. अभी ये सारी चीजों के अंदर देखो degradation नहीं हो रहा था. Yes, मतलब degradation means वो अगर आप कोई भी monosaccharide ऐसे रख दो, अमाइनो एसिड प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स एक साथ ऐसे ही रख दो तो खराब होने लगेगा ना कोई भी चीजें। जैसे आप कोई भी चीजें बाहर रख देते हो तो जल्दी से डिकम्पोज होने लगता है वो, तो ये डिग्रेडेशन नहीं होता था इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं था और इसके अंदर एंजाइम्स भी नहीं थे अभी तक। ठीक है, तो जो फ्री जो हॉट डाइल्यूट सूप था इट डिज नॉट शो एनी डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड एंजाइम। अगेन अ क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम कि व्हाई द हॉट डाइल्यूट सूप डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन। सो द आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी इट डिड नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ डिग्रेडेशन बिकॉज देर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन एंड देर वॉज नो एंजाइम। सो अगेन इसके ऊपर आपको दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो प्लीज नोट डाउन दैट क्वेश्चन आल्सो कि व्हाई द हॉट डाइल्यूट सूप डिड नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन। ठीक है, और या फिर द क्वेश्चन कैन बी इन अनदर फॉर्म आल्सो, एज देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन ऑन द हॉट डाइल्यूट सूप। तो यू कैन से इट डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अमोनिया वाटर और मीथेन बना, ये अमोनिया वाटर और मीथेन के अंदर अलग अलग रिएक्शंस हुए जैसे कि कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये किसके कारण हुआ? ये शायद वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी हुआ रहेगा या फिर वो लाइटनिंग के वजह से भी हुआ रहेगा, मीन्स एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर कि जिसके कारण हुआ रहेगा। पर ये सब होने से क्या हुआ, मतलब जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, ये सब होने के वजह से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोनोसेकेराइड बन गया, अमाइनो एसिड बन गया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। अब ये सारे जो पांचों चीजें हैं, यस, ये जो बन गए हैं तो ऑब्वियसली अब ये क्या बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रिमिटिव ब्रॉथ है वॉज न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। Yes, तो पॉलीमराइजेशन took place and simple organic molecules they aggregate एक साथ आए to form a complex molecule। जैसे कि मोनोसेकेराइड सब पास में आ गए, बन गए पॉलीसेकेराइड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल साथ में आ गया, बन गया फैट, बहुत सारे अमाइनो एसिड साथ में आ गए, बन गया प्रोटीन, यस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जॉइंड होंगे टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। वेरी क्लियर? ठीक है, सो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड से सबसे पहला प्रोटीन बना जिसको हम बोलते हैं प्रोटो प्रोटीन। ये जो प्रोटीन था वो कैसा था, इट वॉज अ प्रोटो प्रोटीन।
Very clear. And again, a very, very important question for your board exam. Landmark in the origin of life. So the landmark in the origin of life is the formation of enzymes. Aapne padha hai biochemistry mein ki enzymes are protein in nature. All enzymes are protein in nature. ठीक है, तो ये एंजाइम बन गया. तो व्हाट इज एंजाइम? आपने एंजाइम के बारे में क्या पढ़ा है कि दे आर द बायो कैटेलिस्ट, है ना. बायो कैटेलिस्ट का मतलब क्या? दे विल स्पीड अप द रिएक्शन. अभी आपने सुबह खाया और आपको दोपहर तक खाना डाइजेस्ट हो जाता है. तो क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ एंजाइम्स वर्किंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अगर यही खाना आप ऐसे ही रख दो तो क्या होगा? क्या वो इतने जल्दी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा बाहर अगर आपने प्लेट में रख दिया तो? नहीं. तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते ही कैसे? वही चपाती भाजी सब डाइजेस्ट हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स. वेरी क्लियर. तो ये जो एंजाइम्स है दे आर स्पीडिंग अप द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग द रिएक्शन. As they are present inside the living organism, so it is called as a biocatalyst. And we know that the enzymes are protein in nature. So protein banna hi kya hai? Ek landmark hai in the origin of life. Please, this is a very, very important question for the board exam. Huh? What is landmark in the origin of life? So protein formation in the form of enzyme is the landmark in the formation of life. वेरी क्लियर. अच्छा, अब प्रोटीन एंजाइम्स बन गए तो अब तो और चीजें आसान हो गई. एंजाइम्स बन गए हैं, हाँ, अब क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा. ये न्यूक्लियोटाइड जो है, यस, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से. तो डीएनए एंड आरएनए बन गया, दे ऑल जॉइन, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर, ये सब एक दूसरे से जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा? डीएनए भी बन जाएगा, आरएनए भी बन जाएगा, दे आर द न्यूक्लिक एसिड. एंड वी नो दैट न्यूक्लिक एसिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं. और ये सारे वजहों की वजह से देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल. एंड द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड एज अ प्रोटोबायोंट या फिर प्रोसेल. प्रोटो मतलब अभी मैंने आपको बताया पहला, तो प्रोटोबायोंट. अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू वन मार्क. What is protobiont? मैंने इसके पहले क्या बताया था? Protobiogenesis बताया था. और अभी मैं क्या बता रही हूँ? Protobionts बता रही हूँ. तो क्या बताया? What is this protobiont? Nucleic acid along with inorganic and organic molecule, they have formed the first life, and the first form of life is called as a protobiont. Very clear बेटा. अच्छा, अब ये जो प्रोटोबायंट था, यस, दे हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू कंसर्वेशन, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोटोबायंट है इसमें छोटा 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 बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो यही सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो एक साथ इकट्ठा है, हाँ, एक साथ एग्रीगेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोएसर्वेट्स. अगेन अ क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज कोएसर्वेट्स? ठीक है, सो एंड सो ओपेरिन ने उसको कोएसर्वेट्स बोला. और इसी चीज को सिडनी फॉक्स ने क्या बताया? प्रोटीनॉइड्स या फिर माइक्रोस्फियर्स बताया. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन वन मोर क्वेश्चन. व्हाट इज प्रोटीनॉइड्स और व्हाट इज माइक्रोस्फियर्स? सो इट इज द डेफिनेशन इज बीन गिवन डाउन. सो कोएसर्वेट्स आर द कोलॉइड एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोलिक प्रोटीन. हाइड्रोफोबिक, फोलिक का मतलब क्या होता है? वॉटर लविंग प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो पानी में घुला हुआ है. एंड लिपिड, ठीक है, सो वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ अ बबल्स. यू कैन सी ओवर हियर, ऐसे बबल्स के जैसे हमें ये नजर आ रहा है. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्वियस मीडियम. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर बीन गिवन ओवर हियर. एज दे ग्रू, व्हाट हैपेंड? दे स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर यूनिट्स. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बडिंग ऑर्गेनिज्म. सो ये जो कोएसर्वेट्स थे, दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलॉइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. इसके अंदर भी डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस अकर्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच दे वर मोर स्टेबल देन कोएसर्वेट्स. सो कोएसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फियर्स वर नॉन लिविंग कोलॉइडल एग्रीगेशन ऑफ व्हाट? लिपिड्स एंड प्रोटीन.
ठीक है, दे हैड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रोथ एंड डिविजन. उनके अंदर भी ग्रोथ दिख रहा था, बढ़ रहा था वो, डिविजन भी हो रहा था, मतलब जैसे बडिंग होता है वैसे वो डिवाइड भी हो रहा था. सो कोलोइडल एग्रीगेशन टर्न्ड इनटू द फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सिस्टम. इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोसेल या फिर ईओबायंट्स. अगेन अ क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, ईओबायंट्स. वेरी क्लियर बेटा. तो मैं अभी आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या क्या ये करना है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बन गया, डीएनए आरए बन गया. डीएनए आरएनए के बाद प्रोटोबायंट्स बना. प्रोटोबायंट्स का मतलब है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को हम प्रोटोबायंट्स बोलते हैं. तो ये कैसे बना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ कोएसर्वेट्स. What is coacervates? Is the it is the aggregation of what? Two thing, protein and lipid. Protein and lipid का ये क्या है? Aggregation है in the hydrophobic form. मतलब कि पानी के अंदर ये present है ऐसा, in the form of a bubbles, है ना? इसके अंदर भी हमें दिखाई देता है कि coacervates क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर DNA है, RNA है, तो वो replication कर रहा है, मतलब कि उसमें division हो रहा है और साथ में वो grow भी कर रहा है. तो I can say that ये जो coacervates है, ये जो colloidal aggregation है, इसी को मैं क्या बोल सकती हूँ, ईओबायंट्स बोल सकती हूँ या फिर प्रोटोसेल बोल सकती हूँ. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा. सो आई विल टीच यू टिल हियर ओनली, फिर ये बाकी का फर्स्ट सेल आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. So the homework for you all is, कि मैंने आपको क्या क्या लिखने के लिए बोला है, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन. एक बार आप चेक कर लो मैंने आपको क्या क्या लिखने के लिए बोला है. डेफिनेशन ऑफ प्रोटोबायोजेनेसिस नोट डाउन किया. वट इज कॉस्मोजोआ और पैंस्पर्मिया. यस, who has given the chemical evolution of life ya fir self assembly theory of origin of life, name the scientist and write down the definition of self assembly theory of origin of life. Fourth question ho gaya ye ek scientist ka aur iska. Next question is which were the first three elements form on the primitive earth, which were the first free elements form on the primitive earth. Are you noting down beta, sab log note down kar rahe hai na? Yes. Next question, why the primitive earth was reducing type, why the primitive earth was reducing type. Which element has been considered as landmark in the origin of life, which element is considered as landmark in the origin of life? What are proto-proteins? What is protobionts? Explain coacervates. What is proteinoids or microsphere? Proteinoids and microspheres. Next. What is eubionts or protocell? What is eubionts or protocell? चलो इतना नोट डाउन सबने कर लिया है. सो मे बी टुमारो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट सेल फ्रॉम जी पॉइंट आई विल स्टार्ट. ठीक है, अभी के लिए आपको आज इतना कंप्लीट करना है. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द कोएसर्वेट्स आल्सो. कोएसर्वेट्स जब भी लिखोगे तो उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको. ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन लेसन का सब डायग्राम्स आपने ड्रॉ किया है. रिप्रोडक्शन लेसन के सारे डायग्राम्स आपने ड्रॉ किए हैं क्या? एज यू नो दैट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक वन नोटबुक इन विच यू कैन ड्रॉ ऑल द फिजियोलॉजी टॉपिक्स के डायग्राम. सो सर, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये दो फिजियोलॉजी टॉपिक्स हो गए हैं, रिप्रोडक्शन हो गया है. ये तीनों टॉपिक का
ठीक है, मुझे एक नोटबुक में सारे डायग्राम्स चाहिए, ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक नोटबुक खरीदो आप, उसके अंदर रेस्पिरेशन लेसन का, सर्कुलेशन लेसन का और रिप्रोडक्शन लेसन के जितने भी डायग्राम्स है, ऑल डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, एवरी डायग्राम्स यू विल बी ड्रॉइंग इन दैट पर्टिकुलर नोटबुक। एज यू ऑल नो दैट ऑल द बिग डायग्राम्स शुड बी विद इन 14 लाइन्स एंड जो भी छोटे डायग्राम्स है इट शुड बी विद इन 7 लाइन्स। वेरी क्लियर? मैं कभी भी आपको नोटबुक दिखाने के लिए बोल सकती हूँ, ठीक है, तो आपको अभी एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा कि मैं घर पे भूल गई, बिकॉज अभी तो आप घर पे ही हो। हाँ, आई विल गिव यू 1 वीक टाइम, मैं आपको 1 वीक टाइम दूंगी फॉर कंप्लीटिंग द डायग्राम्स। 1 वीक टाइम इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। आप एक दिन में 2 या 3 डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। वेरी क्लियर? सबको समझ में आया है? सो तीन चैप्टर्स का एक छोटा नोटबुक लो, या फिर आपके पास लास्ट ईयर के जर्नल के पेजेस बचे रहेंगे तो वो यूज करो, पर ऐसे पेपर्स में मत करो, बिकॉज पेपर इधर उधर हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। कोई नोटबुक होगा जिसके पेजेस खाली होंगे तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बट इफ यू टेक अ न्यू नोटबुक दैट विल बी वेल एंड गुड, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे वो नोटबुक में आप एक ही साथ सारा डायग्राम रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन टेक अ नोटबुक वेल एंड गुड, नहीं है तो जूनियर नोटबुक का जो पेजेस बचे होंगे वहीं से आप शुरुआत करो। बट आई विल गिव यू 1 वीक टाइम, आफ्टर नेक्स्ट वीक आई विल सी ऑल ऑफ योर डायग्राम, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन के ऑल द डायग्राम्स, ऑल डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल आर कंपल्सरी ऑल्सो। समझ में आ गया है? सो 1 वीक टाइम है एंड नो एक्सक्यूज, घर पे भी भूलने का बोल नहीं सकते। मैं वापस बता रही हूँ आपको कि